हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है 4th ऑफ अगस्त से लेके 10th ऑफ अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Two of Chalices, Three of Pentacles, Five of Chalices, Six of Pentacles, and Five of Wands. तो Libra, हमारे पास है Two of Chalices. Two of Chalices के साथ आपका जो person है वो इस week में आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहेगा। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को अब ये लगता है कि सही समय आ गया है आप दोनों के आगे बढ़ने का। हो सकता है ये पर्सन एक अच्छा दोस्त हो। अगर आप सिंगल हैं तो इस वीक में आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिससे मिलते ही कोई इंस्टेंट अट्रैक्शन आपको महसूस होगा और वैसा ही इस पर्सन को भी महसूस होगा। इस वीक की खास बात यह है कि आप जो महसूस कर रहे हैं वही ये पर्सन भी महसूस कर रहा है। ये अट्रैक्शन म्यूचुअल है और आप दोनों सेम पेज पे लग रहे हैं और इससे अमेजिंग कुछ नहीं हो सकता। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पर्सन आपका माइंड पढ़ रहा है और जैसे ही आप कुछ कहना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे उससे पहले ही ये पर्सन आपकी बातों का जवाब दे देगा। एंड आप ये सोचने लगेंगे कि इन्हें कैसे पता कि आप यही जानना चाहते थे या यही सुनना चाहते थे। ये पर्सन कुछ ऐसा कह सकता है जो आपको थोड़ा सरप्राइज कर सकता है, जैसे कि आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हो या आप किसी चीज़ को खरीदने के बारे में सोच रहे हो एंड हो सकता है ये पर्सन उसी चीज़ को आपको गिफ्ट दे दे या फिर आपसे कहे कि आपको वहीं जाना चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं, लाइक आप दोनों को वहां जाना चाहिए। तो ये पर्सन अब आगे बढ़ना चाहता है। ओके, ये जो भी है ये अब आपको कुछ शो करना चाहता है अपने बारे में। आप देख रहे हैं फाइव ऑफ एथेंस के साथ आजकल ये पर्सन बड़ा तैयार कर रहा है खुद को आपको फेस करने के लिए। ओके, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं और दूसरे लोग हो सकते हैं जिनसे ये बहुत सारी एडवाइसेस ले रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो इस वीक में तो ये पर्सन हर चीज़ का ध्यान रखेगा, हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा और पता करना चाहेगा कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं। आपके फ्रेंड से भी बात करना चाहेगा, आपको नोटिस कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप नोटिस करेंगे कि ये पर्सन छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दे रहा है। ओके, एंड आप सोचेंगे इतने रोमांटिक आइडियाज़ इनको आ कहाँ से रहे हैं, इतना परफेक्शन इनके दिमाग में आ कहाँ से रहा, ये सब कैसे हो रहा है, ये पर्सन इतना ज़्यादा परफेक्ट कैसे नज़र आ रहा है। तो एक तो ये पर्सन खुद आपको स्टडी कर रहा है, आप में बहुत इंटरेस्टेड है, आपको इम्प्रेस करना चाहता है और दूसरा इनके दोस्तों की एडवाइसेस भी बड़ी काम आ रही हैं। इस वीक में कोई इन्हें बता रहा है कि आखिर अपने प्यार को कैसे जाहिर किया जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस फील्ड में ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। मतलब इनके रिलेशनशिप शायद पास्ट में नहीं रहे और रहे भी हैं तो कभी इस हद तक पहुँचे ही नहीं, ऐसा कभी फील किया ही नहीं उन्होंने। और अब वो सोच रहे हैं कि उनके इस स्पेशल पर्सन के लिए, इस स्पेशल लिब्रा के लिए उन्हें कुछ स्पेशल करना होगा। ओके, और साथ ही लग रहा है आजकल ये क्वेश्चन और आंसर्स की एक लिस्ट अपने साथ रखे हुए कि हो सकता है जब आपसे वो अगली बार मिले तो आप उनसे ये सवाल पूछें एंड उसका क्या जवाब होना चाहिए। ये पर्सन सारी चीज़ों को एंटिसिपेट कर रहा है कि लिब्रा उनसे क्या क्या पूछ सकते हैं, लाइक कोई एग्जाम होने वाला हो और उससे पहले वो गेस कर रहे हो क्वेश्चंस की कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। तो इस पर्सन का ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका कोई एग्जाम होने वाला है, उनकी कोई परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा में यकीनन ये पर्सन फेल नहीं होना चाहता, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है ये लव की। फाइव ऑफ चैलेंजेस के साथ इस पर्सन को लगता है जैसे कि थोड़ी लेट ज़रूर हो गई है उन्हें। ओके, उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें उन्हें बहुत पहले ही कह देनी चाहिए थी या बहुत पहले ही करनी चाहिए थी, बट वो लेट हो गए, बट
उन्हें लगता है कि लेट हुई है मगर अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है। तो ये पर्सन फिर से सारी चीज़ों को स्टार्ट करना चाहेगा, फिर से आपके क्लोज आना चाहेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ लिब्रा, ये पर्सन दरअसल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहता है। ऐसा लग रहा है कि वही चीज़ इनके लिए प्रायोरिटी बन गई है और कोई चीज़ इनके लिए प्रायोरिटी है नहीं। तो ये पर्सन बहुत पेशेंटली आपके सवालों का जवाब देगा और यू नो आपको फेस करने की ताकत है इनके अंदर, और आप देखेंगे कि ये पर्सन किस तरीके से आपको सारी चीज़ें बताएगा। मतलब अपने फीलिंग्स को तो ये कन्फेस करने ही वाले हैं इस वीक में। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट ऑफ एथम्स, पेज ऑफ एथम्स, लॉर्ड ऑफ शैडोज एंड नेचर और द ओकिंग भी। ओके, तुम्हारे पास है एट ऑफ एथम्स। एट ऑफ एथम्स के साथ लगता है ये पर्सन कुछ ज्यादा ही सोच रहा है आपके बारे में कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये पर्सन जैसा कि मैंने कहा, इन्हें शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और जो भी एक्सपीरियंस इन्हें है रिलेशनशिप का वो अच्छा नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज तक ये पर्सन खुद को इनकेपेबल समझता है, मतलब किसी का प्यार हासिल करने में। इस पर्सन को लगता है जैसे कि उन्हें कुछ आता ही नहीं, उन्हें कभी कोई प्यार मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लर्ट के खेल में बिल्कुल कह सकते हैं कि फेल है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो नहीं जानते कि सामने वाले को क्या कहना चाहिए। इस पर्सन की अपने बारे में ये इमेज इसलिए बन गई है क्योंकि ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरा है। द लॉर्ड ऑफ शैडोज के साथ लगता है जैसे इनके पास्ट में इन्हें कोई अकेला छोड़ के चला गया था। अब ये रिलेशनशिप के बारे में ही नहीं हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है इनके फैमिली का कोई मेंबर इन्हें ऐसा फील कराता रहा जैसे कि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है या उन्हें इग्नोर किया गया, और इस पर्सन को ऐसा लगा कि शायद वो प्यार के काबिल ही नहीं है या उनके अंदर वो बात ही नहीं है कि कोई उन्हें प्यार करे। तो अब नेचर के साथ ये पर्सन एक ट्रैप लगा रहा है, हार्म करने के लिए नहीं। ये ट्रैप बस आपको अपने प्यार में कह सकते हैं ट्रैप करने के लिए है। ओके, ये पर्सन ये ट्रैप यहाँ इसलिए लगा रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है। ओके, वो बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं दूसरों से भी, क्योंकि इस पर्सन को भरोसा नहीं कि जो इनके मन में है, जो इनके आइडियाज़ है, वो काफ़ी होंगे आपको इम्प्रेस करने के लिए। पेज ऑफ एथम्स के साथ ये पर्सन लगातार मैनिफेस्ट कर रहा है एक यूनियन, और इस यूनियन के सिवा इस पर्सन को इस पॉइंट पर कुछ नहीं चाहिए। लगता है जैसे आजकल दिन रात इनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि वो कैसे आपके क्लोज आए। हालांकि ये पर्सन जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा था, बट अब उन्हें लग रहा है कि वो धीरे धीरे थोड़े लेट हो गए हैं और अब उन्हें एक्ट करना चाहिए। द ओक किंग के साथ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, और ये सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ये पर्सन इस वक्त इतना सोच रहा है कि हो सकता है आपको कुछ नर्वस भी नज़र आए जब अगली बार आपसे मिले। तो ये चाहेंगे कि आप थोड़े फ्रेंडली हो, टू ऑफ चालीसेस के साथ वो चाहेंगे कि आप थोड़े फ्रेंडली हो और उनकी बात सुने, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है लिब्रा। बैलेंस, तो बैलेंस की कार्ड के साथ इस पॉइंट पे ये पर्सन एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहा है, और आप दोनों के बीच भी एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपकी जो एनर्जीज है उसकी ज़रूरत इस पर्सन को है, इस पर्सन की जो
एनर्जी है उसकी ज़रूरत आपको है। आप दोनों धीरे धीरे एक बैलेंस क्रिएट कर लेंगे इस वीक में, बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज करेंगे, फीलिंग्स, आइडियाज़ और ड्रीम्स, और ये सब कुछ आप दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाएगा और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।